और ये भी क्या सुन रहा हूँ, बीसीसीआई इस साल किसी भी हालत में आईपीएल करवाना चाहती है, क्या ये सच है? ये तो हमारे दादा ही बता सकते हैं। हाँ मैंने सुना कि दादा पूरी कोशिश कर रहे हैं इस साल आईपीएल करवाने की। भाई सबकी उम्मीद अब मेरे ऊपर है, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल आईपीएल हो जाए, चाहे वो बिना ऑडियंस के हो। चलेगा, स्टेडियम में ऑडियंस नहीं रही फिर भी चलेगा, लेकिन बस आईपीएल हो जाए बस इस साल। तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम करते हैं प्रबंध। लेकिन बिना ऑडियंस का कैसा रहेगा भाई, मजा नहीं आएगा। भाई ऑडियंस ना होने का डर है या कोई और है? उसको डर है कि ऑडियंस की जगह बॉल उसको ना लाने पड़े। वो तो जो कप्तान है उसकी जिम्मेदारी है। मैं तो जडेजा को ऑडियंस में ही फील्डिंग करने भेज दूंगा। और मैं हार्दिक को भेज दूंगा। ए भाई हमेशा मुझे ही चुना क्यों लगाते हो, जरूरी है क्या? भाई तूने तो बोला था तू ऑलराउंडर है, तू कुछ भी कर सकता है, तो ऑडियंस में जाके बॉल नहीं ला सकता? इतना फास्ट नहीं हूँ भाई मैं। वायरल ऊपर दद्दू, करने के मामले में तो बहुत फास्ट है तू। दादा आप इस साल आईपीएल मत करो, ये लोग फिर से मेरी कमर तोड़ेंगे यार। सही है, वैसे भी हार्दिक अब बाप बनने वाला है, इसका मन क्रिकेट से हट चुका है, अब ये सांसारिक जीवन शुरू करने वाला है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप आईपीएल कराओ, मैं तो मजा कर रहा था भाई। चिकू भाई तू क्यों चुप है, कुछ टिप्पणी नहीं करेगा? ये आईपीएल वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे लिए तो वर्ल्ड कप बना है, उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। फिर भी आईपीएल एक ऐसा लड्डू है भाई जो तो खाना ही पड़ता है। हाँ अब तो लड्डू है तो खाना तो पड़ेगा, वैसे भी आदत हो गई है अब मुझे लड्डू खाने की। तो किसी ऑडियंस की जगह भेजोगे बॉल लाने? मैं तो रूल बनाऊंगा, रूल जो छक्का चौका मारेगा ना वही जाके बॉल लाएगा, या फिर जो डायरेक्ट छक्का मारेगा ना वो आउट हो जाएगा। अंपायर लोग क्या आलू छिलने आएंगे वहाँ पे? नहीं वो तो उंगली करने आएंगे वहाँ पे, उनका तो काम है उंगली करना जब कोई आउट हो जाए तो। मैं अभी से सबको बता देता हूँ कि आईपीएल होने वाली है और सबको फिट रहना पड़ेगा। अब हाँ एकदम कड़क, ऐसा फिट हूँ ना मैं क्या बताऊँ आपको, और जो मेरी कमर का दर्द है ना वो मैंने कामरा को दे दिया है। मैं तो हमेशा से ही फिट हूँ, क्रिकेट खेलने से ज्यादा मैं घर के काम करने से फिट हो चुका हूँ, इसलिए आज भी मैच करा लो, आज भी तैयार हूँ मैं। चल फिर कल से दौड़ने चलते हैं। धोनी भाई आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस जल्दी हो जाते हो। वैसे मैं भी मजाक कर रहा था, इस लॉकडाउन में वैसे भी हम कहाँ जाते हैं, बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकते हम। लेकिन कोहली तो मस्त घूम रहा है बाहर। ऐसा कुछ नहीं, जब भी मैं राशन लेने जाता हूँ उसी वक्त आपका कॉल आता है, क्या करूँ मैं? उस दिन से तू राशन लेने ही निकला है, घर कब पहुँचेगा तू? पहुँचूंगा अगले एपिसोड तक, और पहुँचते ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा। तेरी स्टोरी मुझे दिखती क्यों नहीं? उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। अच्छा ठीक है, मुन्ना लोग आप भी देख लो। वैसे दादा वो वार्नर को कुछ वार्निंग दो, टिकटॉक कर रहा है बहुत, क्रिकेट पे ध्यान नहीं उसका, आईपीएल में गड्ढा कर देगा वो टिकटॉक की वजह से।